तीन दिन 18, 19, 20 अप्रैल को उड़ान फेस्ट हमारे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये टोटली उन्हीं का प्रोग्राम है। जैसा कि आपने कहा कि इसमें हमारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, तो एकेडमिक्स के अलावा जो जो चीज़ें एक्टिविटीज़ हो सकती हैं एक स्टूडेंट के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए, जितनी भी एक्टिविटीज़ पॉसिबल होती हैं, लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, डांस एक्टिविटीज़, जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं, वो सब हमारे बच्चे उसको किए हैं। और साथ के साथ हमारे कॉलेज के अलावा जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उसमें लखनऊ के 15 से ज़्यादा कॉलेज कॉम्पिटिशन उन्होंने भाग लिया है। कई प्राइजेस उन्होंने जीते हैं, कुछ प्राइजेस हमारे बच्चों ने भी जीते हैं। लेकिन हमें अच्छा लगा, बाहर के बच्चे आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपना उन्होंने प्राइज जीता। और मेरे हिसाब से एक कॉलेज में आज की डेट में पढ़ाई के अलावा ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आदमी को मेंटली फिट रखती हैं और कहीं ना कहीं आगे जाके वो समाज में एक अच्छे नागरिक बनेंगे, जिनको पढ़ाई के साथ साथ सभी चीज़ों की महत्ता का पता चलेगा। 2015 से सर निरंतर जो है वो उड़ान का कार्यक्रम करते आ रहे हैं जी। अब की वर्ष क्या कुछ अपडेट किया है, क्या कुछ नया एड ऑन किया है आपने? बस एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं। जब 2015 में पहली बार था तो बच्चे थोड़े कम थे, एक्टिविटीज़ कम थीं। अब लगातार बहुत तेज़ी से, जैसे मैंने कहा, इस बार मेरे कैंपस में 15 कॉलेज बाहर से आए। इसके पहले शुरू में 2 कॉलेज आए थे, फिर 4 हुए, फिर 6 हुए, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा 15 या 16 कॉलेज हैं जिन्होंने यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारे बच्चे हैं, उनके दोस्त दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्होंने प्रचार प्रसार किया और सबने आके यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ GCRG बुक ऑफ इंस्टीट्यूशन के। ये उड़ान 5.0 है, जिसका इससे पहले 4 बार हमने संयोजन किया है। इसमें हमारे ही बच्चे पूरी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, सारा कुछ प्लानिंग करते हैं, इसमें उनका सर्वांगीण विकास होता है। ये 3 दिन 18, 19, 20 को मेटलाइज करने के लिए और फाइनल शेप में लाने के लिए उनकी करीब करीब 6 से 7 महीने की मेहनत होती है, जिसके बाद ये इस रूप में आ पाते हैं। और इसके अलावा मैं इसमें हमारे करीब करीब इन 3 दिनों के अंदर 15,000 का फुटफॉल आया है, जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे और हमारे बच्चों को मिला के मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। 1500 करीब हमारे डिफरेंट कॉलेजेस आए हैं और जिनके प्राइज डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं, जो कि पहले 13 से 14 तारीख से हमने प्रीलिम्स से स्टार्ट कर दिए थे। फाइनल इवेंट्स हमने इनके इन डेट्स पे रखे थे कि 18, 19, 20। आज के दिन कल हमारे यहाँ जो स्टार नाइट थी उसमें रिया आई थी, और आज के दिन जो हमारा स्टार नाइट है वो पैराडॉक्स है। सर, जैसे कि आपने बताया कि जो बाकी कॉलेज के लोग हैं वो भी आए हैं, और एक बेहतर फ्रेंडली कंपटीशन भी हुआ और बहुत बेहतरीन इवेंट भी हो रहा है। इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, प्राइस की बात तो अलग रही, वो मोरल और साइकोलॉजिकली लेवल पर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं आगामी भविष्य के लिए? सर, मैं आपसे ये चीज़ कहूँगा कि आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, आप उस फीलिंग को अच्छे से समझ पाएंगे अगर मैं कनेक्ट कर सकूँ कि आप टीम कब बनती है, जब वो टूटते हैं, चीज़ें गिरती हैं, चीज़ें बिगड़ती हैं, फिर संभाली जाती हैं, उस दौरान में ही वो टीमें बनती हैं। तो आप टीम लीडर भी तभी बनते हैं और आप ऑर्गेनाइज करने की कैपेबिलिटी भी तभी पाते हैं। तो ये चीज़, ये जो 6 महीने 7 महीने है, ये वो इनका ट्रेनिंग पीरियड रहा है, जिसमें वो कई बार टूटे होंगे, कई पेन से गुजरे होंगे,
इन सब चीज़ों से गुजरने के बाद वो एक अच्छे इंसान बन सकेंगे, जिससे जो मैं सोसाइटी में चाहता हूँ कि हम अपने इंस्टीट्यूट से एक अच्छा टेक्नोक्रेट, एक अच्छा प्रोफेशनल के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी दे सकूँ, वो कार्य को पूरा करने में मेरा ये इस तरह के इवेंट्स मदद करें। सर, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इन प्रोग्राम के थ्रू ऑडियंस को भी, उन बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी? मैं पेरेंट्स और बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए हिचकिचाए नहीं और इन तरीके के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके और वो चीज़ें लर्न कर सकें, क्योंकि आज का युवा बहुत ही ज़्यादा क्षणभंगुर टाइप का हो। गुड इवनिंग, मैं विशाल गुप्ता, बी सी आर जी ग्रुप का मार्केटिंग कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज युवान का फेस्टिवल है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या फेस्टिवल है, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, इसके पहले क्योंकि उड़ान जो है प्रथम बार हुआ था, उसके बाद में उड़ान 2.0 की प्रारंभ हो गया है, इसमें क्या कुछ नया कर रहे हैं, क्या अपडेटेड? 2015 से हमने उड़ान शुरू किया और ये बहुत अच्छी जर्नी है हमारी उड़ान का। फिर हमारा उड़ान 1, उड़ान 2, 3, 4 एंड इस साल हमारा उड़ान 5 का इवेंट है। और ये उड़ान का इवेंट हम बच्चों के बीच में इसलिए करते हैं, हमारे पास अलग अलग क्षेत्र से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और ये इवेंट सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं, लखनऊ में और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ से बच्चे आए हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, खेल कूद प्रतियोगिता, रंगारंग कार्यक्रम, इन सभी में बच्चे पार्टिसिपेट करें, पढ़ाई के साथ साथ उनका शैक्षिक के साथ साथ और इन सब चीज़ों में भी उनका विकास हो सके। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हमने रखा है कि बच्चे अपने आगे बढ़ करके प्रतिभा करें और आगे बढ़ करके अपना विकास करें। अमूमन देखा जाता है सर कि जो स्टूडेंट हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं बस्ते का बोझ है, पढ़ाइयों का बोझ है, वो दिन भर उसी में लगे रहते हैं, ऐसे में जो उड़ान है कितना रिफ्रेशमेंट का काम करता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे कितना हेल्प करता है उनको, बूस्टअप करता है। समय है उसके हिसाब से पढ़ाई के अलावा इन सब चीज़ों में प्रतिभा करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अगर इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं तो उनके साथ साथ उनकी पढ़ाई के अतिरिक्त इन सब क्षेत्रों में भी काफ़ी विकास होता है। और ये प्रयास है हमारा कि हमारे बच्चे अलग अलग लेवल्स पे जाकर के अलग अलग जगहों पर प्रतिभाग करें और उनका अधिक विकास हो सके। शुक्रिया सर, मैं बुलवा लेता हूँ भाई, रैप सुनने आए सारे बंदे ना, माहौल बना देंगे यार, अपने अंदर साथ ले जाना हमेशा, थोड़ा शोर मचा के रखना, एंगेज रखना सबको अपने आप को, यहां पर क्या खास मैसेज है बच्चों ने जो तैयारी की जो पढ़ाई करते हैं अपने शरीर के लिए वो बहुत अच्छी बात है, माहौल बनना चाहिए साथ में, इस तरह का जो बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट आए हुए यहां पर, आप सब लोकल आर्टिस्ट हैं, हम दो तीन चार लोकल रैपर्स हैं, अलग टैलेंट हो, प्यार देना, सपोर्ट करना और भाई डेफिनेटली ध्यान से सुनना, अप्रिशिएट करना अलग और सपोर्ट बना करके आता है, फेस को लेकर के आता है और उनकी एक्साइटमेंट है पैराडॉक्स के लिए, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए भी उन्हें भाई ये जोश बरकरार रखना चाहिए, आप तो तड़का मिलता है जो उन्हें आगे, देखो पहला गाना मेरा बेवफा गाने का पार्ट 2 है, आई होप बहुत सारे लोगों का दिल टूटा होगा यहाँ पे, हम सारे लड़के हैं अगर क्यों तो ये सुकते हैं ज़्यादा
अरे लड़का के पढ़ावनी प्यार से आओकर की समत बिगड़ गई लड़का रहल कन्हैया मेरा छोटा भैया मैं बलराम उसका बड़ा भैया रामायण 9 लाख वर्ष पहले में वो अरे कहना क्या चाहते हो invite respected marketing head Mr. Vishal Gupta sir.